जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मुंबई के खिलाफ मिली हार के बाद ऋषभ पंत मैदान पर हो गए भावुक। रोहित और कोहली द्वारा की गई बेमानी पर किया ऐसा खुलासा कि सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों पंत का पूरा बयान आइए आपको बताते हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला जा चुका है और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और दिल्ली की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो यहां पर दिल्ली की टीम ने रोमन पॉवेल की 43 और ऋषभ पंत की 39 रन की पारी की बदौलत इस मुकाबले में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए और मुंबई इंडियंस की टीम को लक्ष्य दिया 160 रनों का। हालांकि दोस्तों 160 रन बना पाना इस पिच पर ज्यादा मुश्किल लगा नहीं, क्योंकि यहां पर मुंबई की टीम ने 19.1 ओवर में मात्र 5 विकेट गंवाकर ही इस मुकाबले को जीत लिया और ऐसे में 5 विकेट से जीत के साथ ही अब आईपीएल 2022 में से दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम का भी सफर समाप्त हो चुका है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार के साथ अब वापस जाते हुए हम सभी को दिखाई देगी। और इसी बीच दोस्तों अब कप्तान ऋषभ पंत का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। दरअसल मुंबई इंडियंस से मिली हार के बाद ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कहा कि सुनने के बाद आप भी जरूर पंत को सलाम ठोकने वाले हो। जी हां दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत कहते हैं कि ये मैच हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस मैच से हमने काफी कुछ सीखा भी। हालांकि ये मैच अगर हम हारे हैं तो वो बस मेरी वजह से, मैंने डिवॉल्ड ब्रेविस का कैच छोड़ा। अगर मैं उसका कैच ले लेता तो शायद ये मैच कहीं और जाकर पलट जाता, क्योंकि उस एक ही ओवर में दो बड़ी सफलताएं हमारी टीम को मिल जाती। और फिर दूसरी गलती मैंने ये की कि जब टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए आया था तो गेंद उसके बल्ले से किनारा लेते हुए गई थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये दो बड़ी गलतियां मेरी ही थी और इसी की वजह से आज का ये मुकाबला मैंने अपनी टीम को हरवा दिया है। हालांकि मैं जानता हूं कि हमें और भी ज्यादा सुधारों की जरूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे अगली साल आने वाले मुकाबलों के लिए अच्छे से तैयारी करूं। और फैंस चाहते थे कि आरसीबी की टीम इस साल आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे और उनकी चाहत भी अब पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर विराट कोहली के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर काफी ज्यादा भावुक ऋषभ पंत नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहित भाई और कोहली भाई दोनों को ही ढेर सारी बधाइयां आईपीएल 2022 के लिए। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत के इस बयान के बाद खलबली मच गई है कि आखिरकार ऋषभ पंत इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाहते थे और अब आप सभी की क्या राय है ऋषभ पंत का ये बयान सुनने के बाद। और आप क्या मानते हो, क्या ऋषभ पंत को हराने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कोई रणनीति चली थी या फिर नहीं? बाकी अगर आपको हमारी दिखाई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो जानकारी को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली को ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।